हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरचे एजुकेशन हब बांसुर ऑनलाइन क्लासेस। डे स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी कंटिन्यूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इन प्रीवियस क्लासेस यू ऑलरेडी सी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू फिनोलिक ग्रुप एंड आल्सो वी सी द बेंजीन रिंग रिएक्शंस। कंटिन्यूइंग बेंजीन रिंग रिएक्शंस, बेंजीन रिंग रिएक्शंस ऑफ फिनॉल यू सी फर्स्ट रिएक्शन दैट इज फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, एफ सी रिएक्शन, फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। इन ऑल्सो वी सी एल्काइलेशन ऑलरेडी। नाउ वी स्टडी टूडे दैट इज एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण, दैट इज कॉल्ड एसिटिलाइजेशन। व्हाट विल बी द रेजेंट यूज, दैट इज एनहाइड्रास AlCl3 ऑलरेडी फिक्स फॉर फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन एंड नाउ वी यूज एसिटिल क्लोराइड COCl, दैट इज कॉल्ड एसिटिल क्लोराइड। So there will be acetyl, so name of this reaction will be acetylation, okay, that will be called acetylation, that means acetylation reaction called, because here we use acetyl, in previous you use alkyl, so that is called alkylation reaction. What will be the reaction? See, first of all that will be reaction, very easy process, you can learn organic chemistry one by one, don't remind every chemical reaction, but some important reactions is necessary for us according to exam pattern. You can learn one by one a process, AlCl3 in the presence of acetic chloride, formation of acetobenzophenone, formation of acetobenzophenone, that will be formation of acetobenzophenone. What will be the process? Process will be take place same according to alkylation इन थ्री स्टेप्स। कितने स्टेप में पूरा होगा? थ्री स्टेप्स में पूरा होगा, कंप्लीट करेंगे इसको थ्री स्टेप्स में प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर फर्स्ट, ऑलरेडी यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बनेगा इलेक्ट्रोफाइल? देखिए, रिएक्शन करेगा AlCl3 रिएक्ट विद CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एसिटिल क्लोराइड। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, AlCl3 क्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा, AlCl4 एल्युमिनियम टेट्रा क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ पर आपको मेन स्पीसीज जो मिलने वाली है दैट इज एसिटिल या कार्बोनिल, दैट इज एसिटाइल केटाइन, दैट इज एसिटाइल केटाइन, और विच इज यूज एज ए इलेक्ट्रोफाइल इन नेक्स्ट स्टेप, CH3C डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव आयन, दैट इज एसिटाइल केटाइन। इन नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी यूज एज ए इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप नंबर टू, अटैक ऑन बेंजीन रिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपने जो इलेक्ट्रोफाइल बनाया है वो किससे रिएक्शन करेगा? बेंजीन
एंथरिंग से रिएक्शन करेगा. दैट मींस बेंजीन मींस फिनॉल यूज हियर गिव्स CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव. दैट ऑर्थो पोजीशन विल बी अटैक ऑन दिस फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आयन OH. इट शो रेजोनेंस ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O. OH प्रोडक्ट. एंड इन नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 रिमूव ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दैट मींस एरोमेटाइजेशन स्टेप आल्सो कॉल्स एरोमेटाइजेशन स्टेप मींस ऑलरेडी बेंजीन रिंग का एरोमेटिक नेचर डिस्टर्ब हो गया है, इसको वापस गेन करेंगे. सो इन दिस स्टेप यू सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ओ एच वन. दैट विल बी इलेक्ट्रॉन्स कम इन साइड, सो देर विल बी रिमूव ऑफ एच प्लस आयन from benzene ring and formation of COCH3 that is benzo phenon derivative of phenol as a product on ortho position. If you can also see in step first we see already if electrophile will be attacked on para position according this double bond react on C double bond O group, then COCH3 group acetyl group will be attached on para position also. Para position, so product will be may be also OH, that will be COCH3, that is ortho product, that is para product. So both type product may be formed on the basis of attack of aromatic ring double bond nature. So in this reaction we attack the benzene ring electrophile, that is called acetylization reaction. It is also a reaction that is part of Friedel-Crafts reaction. So we see the benzene ring reactions. First is Friedel-Crafts reaction, very important dear students. Name reaction hai, aapko isko memorize karna hai. Kai baar एग्जाम में पूछी गई है, केमिकल रिएक्शन है, प्रोसेस है, क्वेश्चन किस टाइप से आता है इस रिएक्शन का. यू कैन सी दिस टाइप गिवन यू, देयर विल बी ओएच एंड ऑन एन हाइड्रास AlX3 एंड आल्सो गिवन देयर विल बी RX, देयर व्हाट विल बी द प्रोडक्ट A प्लस B formation, what will be the product A and B formation, major product कौन सा है, नहीं लिखा हुआ है, दोनों product बनेंगे, कैसे करना है. जब भी आपको anhydrous AlCl3 दिखे RX लिखा हुआ है इसके साथ में, must be आपके mind में एक question आना चाहिए, that will be Friedel-Crafts reaction of phenol or benzene same. Friedel-Crafts reaction of phenol, that means यहाँ product का formation इसके ऊपर depend करेगा. और यहाँ पर product अगर अपन देखें तो यहाँ पर product क्या है, R के according बनेगा और that will be electrophile. यहाँ पर ये bond break होगा, axis के साथ में attach होगा, AlX4 बनेगा, that will be positive ion and according
research group. It may be on ortho, it may be on para position. That will be para. That is para, that is ortho. That is ortho and para. If we use R equal to CH3, X equal to Cl, that will be alkylation. If we use R equal to CH3COCl, acetyl chloride, that will be acetylation reaction, but that will be same product formation. Okay, these type questions come on this. नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो स्टडी करने वाले हैं बेंजीन रिंग ऑन फिनॉल दैट विल बी नेक्स्ट रिएक्शन इज ब्रोमाइनेशन ब्रोमीनीकरण करना है इसका फिनॉल का वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनॉल का ब्रोमीनीकरण जो होता है वो इन द एक्सिस ऑफ ब्रोमीन वी आर टू क्या है ब्रोमीन ब्रोमीन की प्रेजेंस में एक्सिस में लेंगे ब्रोमीन को देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंट प्रोडक्ट देखिए इस वाले पार्ट पर एच है ऑलरेडी यहाँ भी एच अटैच है यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है और यहाँ पर भी क्या ऑलरेडी एच देयर विल बी टेक थ्री मोल्स ऑफ बीआर BR के तीन मोल्स को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ वाट विल बी द प्रोडक्ट यू विल बी सी इन दिस देयर विल बी BR, इट विल बी रिमूव टोटल सिक्स BR यूज इन दिस वन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम ऑर्थो पोजिशन एंड अटैच ऑफ BR, वन सेकेंड विल बी रिमूव फ्रॉम पैरा पोजिशन सो डेट विल बी BR. That will be also an ortho position. That will be BR. One H remove, one BR. That will be HBR formation of three mole also. That name is given according to a 1, 2, 3, 4, 5, and 6. That is 2, 4, 6 tri bromo. फिनोल का 2,4-6 ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव है ये इसका फॉर्मेशन होता है बट इट इज वेरी इजी बट सेकेंड कंडीशन इज गिवन स्पेसिफिक केस है उस कंडीशन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा इंपॉर्टेंट है ध्यान रहे बीआर टू कि आप रिएक्शन करा रहे हैं ओएच की ब्रोमिनेशन करा रहे हैं आप ब्रोमीन की प्रेजेंस में बट आपको गिवन है कार्बन डाइसल्फाइड गैस आपको गिवन है और आपको जो सॉल्यूशन है मीडियम है वो यूज किया गया है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन को यूज किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज 273 केल्विन दैट रिएक्ट विद ब्रोमीन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ओनली सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी ओ एच एंड बी आर प्लस आल्सो ऑन पैरा पोजिशन डेट विल बी बी आर मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेट इज इफ यूज कार्बन डाइसल्फाइड एंड मीडियम इज सी सी एल फोर ऑन this temperature there will be formation of ortho bromo or ortho bromo phenol and also there will be para bromo phenol okay so there will be difference according to it intake excess of BR2 then there will be formation of 1, 2, 4, 6 product but if we use CS2 carbon disulfide CCl4 medium on this temperature
there will be formation of phenol 2 in the presence of Br2, only one molecule will be used, one mole. There will be 3 mole, there will be 1 mole, formation of orthobromophenol, ortho position according to it, and para position attached of Br, 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 that will be Br2, okay. That will be product that cause bromination of a phenol. So, phenol ka bromination karne par aapko two type ke product dikhai de rahe hain. First jo product hai, dear students, that is more substituted phenol derivative, but that is only one substituent is comes on ortho, second will be comes on para position. So it is very easily take place bromination of phenol. So today we see two reactions. First will be Friedel-Crafts reaction continue, and second is bromination of phenol. In next we see the other reactions of phenol, that will be Fischer rearrangement and also other name reactions. So that is very important part. So today is sufficient. So like this video, share and also subscribe RCI Education Hub Bansur channel, so you can see different videos which are already uploaded on chemistry. You can see different videos of previous classes. Thank you so much.